एंड माय सेशन इज ऑन षटगुणने नीति मनु के अनुसार। षटगुणने का आशय है कि छह लक्षणों वाली नीति। इस नीति के अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों से दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। षटगुणने नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह परिस्थितियों पर विवेकपूर्वक विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ संबंधों में इन छह स्थितियों में से अलग अलग विकल्पों पर चयन करें। षटगुणने नीति के छह लक्षण या छह स्थितियां इस प्रकार हैं, जैसे संधि विग्रह यानी युद्ध, यान यानी शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना, आसन यानी तटस्था, द्वेदी मतलब द्वेदी भाव यानी सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध करना, और संश्रय यानी बलवान का आश्रय लेना। संधि, यदि राजा को ये संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने का तत्कालिक रूप से या भविष्य से लाभ प्राप्त होंगे, तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। इस मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने संधि के दो प्रकार बतलाए हैं, समान कर्मा संधि अर्थात समान शक्तियों के बीच संधि, दूसरा असमान कर्मा संधि अर्थात असमान शक्तियों के बीच संधि। फिर है विग्रह युद्ध। विग्रह का अर्थ युद्ध है। दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करने अथवा उस पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हो। मनोस्थिति में विग्रह के दो भेद बतलाए गए हैं, शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए, तो ये विग्रह का प्रथम रूप है। विग्रह का दूसरा रूप यह है कि जिसमें मित्र व किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह को अपनाया जाए। तीसरा है यान, यानी यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान के मात्र स्तर पर ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाना जा सकता है। यान की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे तथा उसे विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में है। मनु ने यान के दो भेद बतलाए हैं। जब शत्रु को आपत्तिजनक एक आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राज्य अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है तो ये यान का प्रमुख रूप है, लेकिन जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो तो वह मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे तो ये यान का रूप होता है। आसन, मैत्रीपूर्ण संबंधी होने पर भी युद्ध की स्थिति को न छोड़कर थोड़ा समय के लिए तटस्थता या उदासीनता और अपेक्षा की स्थिति को अपनाया आसन है। आसन अकल्प के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। आसन को अपनाने का उद्देश्य है शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। मनु ने आसन के दो रूप बतलाए हैं, पहला सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर अपनाया गया आसन, दूसरा मित्र के अनुरोध पर अपनाया गया आसन भाव। नेक्स्ट है द्वेदी भाव। द्वेदी भाव की व्याख्या मनु ने कौटिल्य से भिन्न रूप से की है। मनु के अनुसार द्वेदी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है। मनु का राजा एक परामर्श है और यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को दो भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ शत्रु पक्ष की सेना के रोके जाने का कार्य करे तथा शेष सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। तीसरा है संश्रय। संश्रय का जो अर्थ है वो बलवान का आश्रय लिए जाने से है। यदि राजा द्वेदी भाव की रणनीति अपनाकर भी अपना रक्षा कर पाने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेनी चाहिए। पर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा सकता है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा ना मिले तो सबल शत्रु को ही आश्रय लेना उचित है। मनु की इस षटगुणने नीति यथार्थ तथा वास्तविक है, ना कि कोरी स्वप्न लोकीय। मनु की ये षटगुणने नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम से कम रूप से इस पर आचरण करते रहते हैं। फिर है उपाय।
उपाय का आशय है कि साधन या तरीका, जिस विदेशी नीति ये हैं इसके, ये कहलाते हैं उसकी षटगुण्य नीति। और षटगुण्य के नीति के जो नेक्स्ट सेशन है वो उस पर आप पढ़ेंगे उपाय।